नमस्कार दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2022 और 12 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं डेली की, डेली जीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी जीके रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो हमारे चैनल से आपकी कवर हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो द ग्रेट खली अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। द ग्रेट खली एक बहुत ही बड़े रेसलर हैं, इन्होंने WWE में रेसलिंग की हुई है और WWE के हॉल ऑफ फेम में भी इन्हें जगह मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशी ड्रोन पर केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जितने भी ड्रोन, जो भी ड्रोन है ये हमारे देश में ही बने। ठीक है, तो इस वजह से इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि R&D वर्क के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, जैसे DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर अपने रिसर्च या किसी और काम के लिए ड्रोन्स लेना चाहती है तो वहां पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वसीम जाफर जी ने हाल ही में IPL की पंजाब टीम के बैटिंग कोच के रूप से इस्तीफा दिया है। टॉमटॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान पर रखा गया? तो इस्तांबुल तुर्की, इसे अभी फर्स्ट प्लेस पर जगह मिली है सबसे भीड़भाड़ वाले जगहों में। अब आपको मैं बता दूं, हमारे इंडिया में मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली एंड पुणे, ये सिटीज भी इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नामक नाम से ओपन रूप क्लासरूम लॉन्च की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाते रहते हैं। दो दिन से थोड़ा सा वीडियो लेट आने की वजह यह है कि मेरी थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कल से वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएंगे। सुबह 6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं लेके आए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर इस वीडियो का PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, t.me सूरज के SURAJKCLASS, ये टाइप करने के बाद हमारे ही YouTube चैनल के लोगो वाला आपको एक चैनल दिखाई देगा, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। Instagram पर भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, सूरज की क्लासेस नाम से हमारा वहां भी अकाउंट है। Facebook पर भी सूरज की क्लासेस नाम से हमारा पेज है, तो आप हमें इन जगहों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, इसलिए आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी रिसेंट हमारा आता रहता है, जो भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, ये तैयारी का चल रहा है, हम इस तरह के वीडियो डालते रहते हैं। हाल ही में जो PWD JEE की एग्जाम आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि उसके रिलेटेड भी एग्जाम एक वीडियो बनाए आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।